नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है द इंडियन न्यूज के अंदर। दोस्तों, लेकर आज के पंजाब का महा ओपनिंग बॉल आप सभी के लिए एक बार फिर से हाजिर है। दोस्तों, यहाँ पर बात करने वाले हैं पंजाब के महा ओपनिंग बॉल यानी कि जनता सर्वे के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर पंजाब के जनता सर्वे के मुताबिक किसी बनने जा रही है इस बार सरकार। दोस्तों, यहाँ पर पंजाब के अंदर आज विधानसभा होते हैं तो कहीं ना कहीं जनता के सर्वे किस पार्टी की सरकार बन सकती है। दोस्तों, यहाँ पर अकाली, आम आदमी, कांग्रेस या बीजेपी। जबकि दोस्तों, आपको बता दें कि अकाली की एक और पार्टी के साथ गठबंधन हो चुका है और यहाँ पर गठजोड़ा भीमसेना के साथ करके गठबंधन अब दल अपनी पार्टी को और भी मजबूत बनाते हुए दिखाई दे रहा है। जबकि दोस्तों, यहाँ पर अकाली दल का एक ही टारगेट है कि यहाँ पर कांग्रेस को किसी तरह हराकर यहाँ पर अपनी पार्टी की सरकार बनाकर कुछ नया परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहे हैं। पर दोस्तों, यहाँ पर कई सारी पार्टियां हैं जो अकाली के खिलाफ है और यहाँ पर पिछली बार जो कि अकाली गठबंधन बीजेपी के साथ था, पर दोस्तों किसान आंदोलन को देखते हुए अकाली ने बीजेपी के साथ जो गठबंधन था उसको खत्म कर दिया यानी कि उसको तोड़ दिया है और यहाँ पर बीसपा और भीमसेना के साथ अपना गठबंधन बनाकर कुछ नया करना चाहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आखिरकार दोस्तों भीमसेना के साथ गठबंधन बनाकर अकाली दल और बीसपा के साथ दोनों पार्टियों के साथ मिलकर क्या अपनी सरकार बना सकते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात है। पर दोस्तों, यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी है वो इसे गठजोड़े से बिल्कुल सहमत नहीं है और यहाँ पर कहा है कि जो पार्टी गठबंधन कर ले या कुछ भी कर ले जीत हमारी होगी। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर आम आदमी पार्टी पूरा दावा कर रही है अपनी सरकार बनाने का लगातार और यहाँ पर जो दावे किए हैं वहाँ पर बिजली पानी फ्री देने का और अस्पताल इलाज यानी कि शिक्षा फ्री, इन सब चीजों के लिए जो वादे किए हैं आम आदमी पार्टी ने, उनको देखते हुए वो चाहती है कि हमारी सरकार बन सकती है और किसी और की सरकार नहीं बनने देंगे। पर दोस्तों, यहाँ पर कांग्रेस की बात कर ले तो कांग्रेस भी वो पार्टी है जो लगातार अपने आप के अंदर बड़ी पार्टी मानते हैं और यहाँ पर लगातार जैसे कि हम सब जानते हैं कि आम आदमी पार्टी के अलावा भी कांग्रेस यहाँ पर बड़ी मजबूत मानी जाती है। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर आम आदमी अब चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ पर कांग्रेस सदियों से चुनाव लड़ती आई है और यहाँ पर सदियों से जीतती भी आई है। तो दोस्तों, यहाँ पर बीजेपी जो कि हिंदू चेहरे के ऊपर एक अच्छा खासा बहुमत लेना चाहते हैं, पर दोस्तों क्या बीजेपी के खेमे में जाना चाहेगी पंजाब की जनता या नहीं? क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर अधिकतर किसान है और यहाँ पर पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह भी मंगलवार को यहाँ से दिल्ली गए थे पीएम मोदी से मिलने ताकि वो किसान आंदोलन के जो 3 कानून है उन्हें वापस ले लें और यहाँ पर किसानों की बात को माने, थोड़ा सा किसानों की बात को सुने। पर दोस्तों, ऐसा कुछ निर्णय आया नहीं है अभी तक कुछ, और जैसे कोई निर्णय आता तो उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को नीचे लाल बटन दबाकर नहीं किया है तो अभी कभी नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर ले। दोस्तों, ऐसे में आपको ओपिनियन पोल जनता सर्वे के बारे में तमाम जानकारी हमारे इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। और आप पंजाब के अंदर कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, अकाली, आम आदमी, कांग्रेस, बीजेपी और अदर पार्टी, जिस भी पार्टी को सपोर्ट करते हैं उस पार्टी का हमारे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट जरूर कीजिएगा। और आप कौन से राज्य, शहर, जिले से रहने वाले ये भी हमें कमेंट करके बताइए ताकि हमें पता चल सके कहां कहां से कौन कौन से लोग कौन कौन सी पार्टी को सबसे ज्यादा सपोर्ट करते हैं। आइए दोस्तों, यहाँ पर जान लेते हैं एक एक जिले वाइज। यहाँ पर पहले जिले के बारे में बात करेंगे तो यहाँ से हम फाजिल्का से शुरू करेंगे। दोस्तों, फाजिल्का की हम 4 विधानसभा सीटों के बारे में बात करेंगे तो 4 में दोस्तों यहाँ पर अकाली एक सीट में नाम करता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि दोस्तों यहाँ पर आम आदमी पार्टी को भी 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस को एक ही सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है, यहाँ पर बीजेपी भी 0 सीट अपने नाम करी तो अदर खाते में भी 0 है। पर दोस्तों, यहाँ पर फिरोजपुर की हम 4 विधानसभा सीटों के बारे में बात करें तो 4 में दोस्तों यहाँ पर अकाली खाते में 8 सीटों का अच्छा खासा बहुमत है, जबकि दोस्तों यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर कांग्रेस को भी पूर्ण रूप से 2 सीटें मिल रही है। पर दोस्तों, यहाँ पर बीजेपी को बिल्कुल 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है, यहाँ पर अदर खाते में भी 0 सीट है। यहीं पर दोस्तों हम कपूरथला की 4 विधानसभा सीटों के बारे में बात करें तो यहाँ पर आम आदमी, अकाली, कांग्रेस और बीजेपी चारों पार्टियों को 1-1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों यहाँ अदर खाते में 0 सीट है। वही दोस्तों पंजाब की 12 विधानसभा सीटों के बारे में बात करें तो 12 में दोस्तों यहाँ पर अकाली खाते में 2 सीटें हैं, जबकि दोस्तों यहाँ पर आम आदमी पार्टी खाते में 5 सीटें हैं। तो यहाँ पर कांग्रेस को 4 सीटें मिल रही है जबकि बीजेपी खाते में 1 सीट है और अदर खाते में बिल्कुल 0 सीट। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर लुधियाना की हम 14 विधानसभा सीटों के बारे में बात करें तो 14 में दोस्तों यहाँ पर अकाली 2 सीटें अपने नाम कर रहा है, जबकि दोस्तों यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 6 सीटों की अच्छी खासी लीड मिल रही है। पर दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस को 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, यहाँ पर बीजेपी को 1 सीट मिल रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर अदर खाते में बिल्कुल 0 सीट है। तो वही दोस्तों वहीं पर मानसा की 3 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर ले, 3 में दोस्तों यहाँ पर अकाली खाते में बिल्कुल 0 सीट है, जहाँ पर आम आदमी पार्टी खाते में 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस खाते में 1 सीट है, जो यहाँ पर बीजेपी खाते में बिल्कुल 0 सीट है, यहाँ पर अदर खाते में बिल्कुल 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। पर दोस्तों यहाँ पर पटियाला की हम 8 विधानसभा सीटों के बारे में बात करें तो 8 में दोस्तों यहाँ पर अकाली खाते में बिल्कुल 0 सीट है, यहाँ पर आम आदमी पार्टी 4 सीटें अपने नाम कर रही है, यहाँ पर कांग्रेस को भी बराबर का बहुमत 4 सीटों का मिल रहा है, जबकि यहाँ पर बीजेपी को बिल्कुल 0 सीट मिल रही है तो अदर खाते में बिल्कुल 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर हम पंजाब की 37 विधानसभा सीटों के बारे में बात करें, 37 में से यहाँ पर अकाली को 4 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 17 तो कांग्रेस को यहाँ पर 14 तो बीजेपी को यहाँ पर 2 और अदर खाते में बिल्कुल 0 सीट आती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर रूपनगर की 3 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर ले, 3 में दोस्तों यहाँ पर अकाली खाते में 0 सीट आती हुई दिखाई दे रही है, यहाँ पर आम आदमी पार्टी 2 सीटें अपने नाम करी थी, कांग्रेस को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है, यहाँ पर बीजेपी को बिल्कुल 0 सीट मिल रही, जबकि दोस्तों यहाँ पर अदर खाते में बिल्कुल 0 सीट है। और दोस्तों यहाँ पर संगरूर की हम 8 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर ले तो 8 में दोस्तों यहाँ पर अकाली खाते में 1 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर आम आदमी पार्टी खाते में 3 सीटें हैं तो यहाँ पर कांग्रेस को 3 सीटें मिलती हुई दिखाई दे,
सीट है, बीजेपी खाते में भी एक सीट है तो अदर खाते में बिल्कुल जीरो सीट है। ये दोस्तों हम एस एस नगरी की तीन विधानसभा सीटों के बारे में बात करें, तीन में से यहाँ पर आम आदमी पार्टी खाते में दो सीटें हैं तो यहाँ पर कांग्रेस खाते में एक सीट है, जबकि यहाँ पर बीजेपी खाते में जीरो सीट है तो अदर खाते में बिल्कुल जीरो सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। पर दोस्तों यहाँ पर पंजाब की हम 51 सीटों के बारे में बात करें तो 51 में से यहाँ पर अकाली खाते में 5 सीटें, यहाँ पर आम आदमी पार्टी खाते में 24 सीटें, यहाँ पर कांग्रेस को 19 सीटें मिली जबकि बीजेपी खाते में 3 सीटें, तो अदर खाते में भी यहाँ पर बिल्कुल जीरो सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं, यहाँ पर तरन तारण की चार विधानसभा सीटों के बारे में बात कर ले, चारों में से चारों पार्टियों को एक एक सीट का पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि दोस्तों यहाँ पर अदर खाते में बिल्कुल जीरो सीट है। तो वही दोस्तों हम बरनाले की दो विधानसभा सीटों के बारे में बात कर ले, दो में से यहाँ पर अकाली को यहाँ पर जीरो सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर आम आदमी पार्टी को भी जीरो सीटें मिल रही है। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी को दोनों को एक एक सीट का अच्छा खासा बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि दोस्तों यहाँ पर अदर खाते में बिल्कुल जीरो सीट है। फिर दोस्तों हम बठिंडा की छह विधानसभा सीटों के बारे में बात करें, छह में से दोस्तों यहाँ पर अकाली खाते में एक सीट है, यहाँ पर आम आदमी पार्टी खाते में तीन सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ कांग्रेस को दो सीटें मिल रही है, यहाँ पर बीजेपी खाते में बिल्कुल जीरो सीट है, अदर खाते में बिल्कुल जीरो सीट है। पर दोस्तों यहाँ पंजाब की हम 63 विधानसभा सीटों के बारे में बात करें, 63 में से यहाँ पर अकाली खाते में 7 सीटें हैं, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी खाते में 28 सीटें हैं, तो यहाँ पर कांग्रेस को यहाँ पर 23 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, यहाँ पर बीजेपी खाते में 5 सीटें हैं, तो अदर खाते में बिल्कुल जीरो सीट है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात करें, तो यहाँ पर फरीदकोट की हम तीन विधानसभा सीटों में बात करें, तीन में दोस्तों यहाँ पर अकाली खाते में बिल्कुल जीरो सीट जाएगी, यहाँ पर आम आदमी पार्टी को एक सीट मिलती है, यहाँ पर कांग्रेस को एक सीट मिलेगी, यहाँ पर बीजेपी को एक सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर अदर खाते में बिल्कुल जीरो सीट है। ये दोस्तों हम फतेहगढ़ साहिब की तीन विधानसभा सीटों के बारे में बात करें, तीन में से यहाँ पर अकाली खाते में बिल्कुल जीरो सीट है, जबकि दोस्तों यहाँ पर आम आदमी पार्टी दो सीटें अपने नाम करता हुआ दिखाई दे रही है, यहाँ पर कांग्रेस को भी एक सीट पूर्ण रूप से मिल रही है, जबकि यहाँ पर बीजेपी खाते में बिल्कुल जीरो सीट है, तो अदर खाते में बिल्कुल जीरो सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर हम नवान शहर की तीन विधानसभा सीटों में बात करें, तीन में दोस्तों यहाँ पर अकाली को एक सीट मिलेगी, जबकि दोस्तों यहाँ पर आम आदमी पार्टी को भी एक सीट मिल रही है, यहाँ पर कांग्रेस को भी एक सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर बीजेपी खाते में जीरो सीट है, यहाँ पर अदर खाते में भी जीरो सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर हम पंजाब के 72 सीटों के बारे में बात करें, तो 72 में से दोस्तों अकाली खाते में 8 सीटें, जबकि दोस्तों यहाँ पर आम आदमी पार्टी खाते में 32 सीटें, यहाँ पर कांग्रेस को 26 सीटें मिल रही है, यहाँ पर बीजेपी खाते में 6 सीटें हैं और अदर खाते में बिल्कुल जीरो सीट है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर पठानकोट की हम तीन विधानसभा सीटों में बात करें, तीन में से यहाँ पर अकाली को फिर जीरो सीट मिल रही है, यहाँ पर आम आदमी पार्टी खाते में एक सीट है, यहाँ पर कांग्रेस को भी एक सीट मिल रही है, बीजेपी खाते में भी एक है, तो अदर खाते में बिल्कुल जीरो सीट है। तो मौके की हम चार विधानसभा सीटों में बात करें, चार में दोस्तों यहाँ पर अकाली खाते में बिल्कुल जीरो सीट है, यहाँ पर आम आदमी पार्टी खाते में भी दो सीटें हैं, यहाँ पर कांग्रेस को भी दो सीटें मिल रही है, पर बीजेपी खाते में जीरो, तो अदर खाते में भी जीरो है। वही दोस्तों हम गुरदासपुर की सात विधानसभा सीटों में बात करें, सात में दोस्तों यहाँ पर अकाली खाते में एक सीट है, जबकि दोस्तों यहाँ पर आम आदमी पार्टी तीन सीटें अपने नाम करी, यहाँ पर कांग्रेस भी तीन सीटें अपने नाम करती हुई दिखाई दे रही है, यहाँ पर बीजेपी खाते में जीरो है, तो अदर खाते में भी जीरो सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर पंजाब की हम 86 विधानसभा सीटों में बात करें, 86 में दोस्तों पर अकाली खाते में 9 सीटें, यहाँ पर आम आदमी पार्टी खाते में 38 सीटें हैं, तो कांग्रेस को यहाँ पर 32 सीटें मिल रही है, यहाँ पर बीजेपी खाते में 7 सीटें हैं, तो अदर खाते में बिल्कुल जीरो सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात करें, तो होशियारपुर की हम 7 विधानसभा सीटों में बात करें, 7 में दोस्तों यहाँ पर अकाली खाते में 2 सीटें, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी खाते में भी 2 सीटें हैं, तो यहाँ पर कांग्रेस को भी 2 सीटें मिल रही, जबकि दोस्तों यहाँ पर बीजेपी खाते में 1 सीट है, तो अदर खाते में जीरो सीट है। पर दोस्तों हम जालंधर की 9 सीटों के बारे में बात करें, 9 में से यहाँ पर अकाली को 2 सीटें मिलेगी, यहाँ पर आम आदमी पार्टी 3 सीटें अपने नाम कर रही है, जब कांग्रेस को 3 सीटें मिल रही है, पर बीजेपी खाते में 1 सीट है। तो वही दोस्तों अमृतसर 11 सीटों में से यहाँ पर अकाली खाते में 1 सीट है, यहाँ पर आम आदमी पार्टी खाते में 5 सीटें हैं, यहाँ पर कांग्रेस को 4 सीटें मिल रही है, पर बीजेपी खाते में 1 सीट है, तो अदर खाते में बिल्कुल जीरो सीट है। इसी के साथ दोस्तों हम पंजाब की 113 सीटों के बारे में बात करें, तो यहाँ पर अकाली खाते में 14 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों पर आम आदमी पार्टी खाते में 38 सीटें हैं, तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 10 सीटें, यहाँ पर कांग्रेस 41 सीटें लेकर बैठा हुआ, तो यहाँ पर अदर खाते में बिल्कुल जीरो सीट है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर मुक्तसर की हम 4 विधानसभा सीटों बारे, 4 में दोस्तों यहाँ पर अकाली खाते में 1 है, यहाँ पर आम आदमी पार्टी 2 सीटें अपने नाम करी, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस को 1 ही सीट मिलती है, पर बीजेपी खाते में बिल्कुल जीरो सीट है, यहाँ पर अदर खाते में बिल्कुल जीरो सीट है। पर दोस्तों हम यहाँ पर लास्ट एंड फाइनल पंजाब की 117 में से 117 के बारे में बात कर लेते हैं, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर अकाली खाते में 15 सीटें हैं, जबकि दोस्तों यहाँ पर आम आदमी पार्टी 50 सीटें अपने नाम कर चुकी है, यहाँ पर कांग्रेस को 42 सीटें मिल रही है, बीजेपी खाते में 10 सीटें हैं और अदर खाते में बिल्कुल जीरो सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो अकाली और बीजेपी को 10 से 15 सीटें मिली है, पर दोस्तों यहाँ पर आम आदमी पार्टी 50 सीटों पर, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी 8 सीटों से पीछे चल रही है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो 8 सीटें मायने नहीं रखती हैं इतने से चुनाव में, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो 8 सीटों का टारगेट कांग्रेस पार्टी आराम से पूरा कर सकती है, तो यहाँ पर 8 सीटों का और भी टारगेट आम आदमी पार्टी को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों कांग्रेस है पीछे तो कांग्रेस पूरा कर सकती है इतने टारगेट से, कहीं ना कहीं जनता सर्वे तो पंजाब के खेमे में जा रहा है, पर दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर अपनी जीत का दावा भी कर सकती है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो अभी का लीड है वो काफी अच्छी लीड है, जिसको देखते हुए कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को टक्कर मिल सकती है। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कभी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर ले दोस्तों, ऐसे में आपको ओपिनियन पोल से संबंधित तमाम जानकारी मिलती रहेगी हमारे चैनल के माध्यम से। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम, आपका दिन बहुत बहुत शुभ।